दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाला हूँ माता भोगी डढ़ीन दाई का। भोगी डढ़ीन दाई का स्थान गोरिल्ला पिंडा मरवाही के मरवाही शहर पर स्थित है, जो कि पिंडा से लगभग 14 किलोमीटर और मरवाही से 8 किलोमीटर की दूरी पर अमेरा टीकरा नामक गांव पर स्थित है। इस जगह पे आपको ठाकुरायन दाई देखने को मिलेंगे और लोग बोलते हैं माता जी से जिसने भी आज तक मनोकामना मांगी है माता जरूर उनकी पूरा की है। अगर दोस्तों आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो आपको पिंडा रोड रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा, इसके बाद आप किसी भी साधन से आ सकते हैं बाय रोड। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं माता भोगी डढ़ीन दाई जी का दर्शन करने। जय जवाहर सिंह भाई, आपसे स्वागत है हमारे एक्सेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं आ चुका हूँ गोरिल्ला पिंडा मरवाही का एक ऐसा जगह जो मरवाही के रास्ते में पड़ता है, और ये इस गांव का नाम है अमेरा टीकरा, और यहाँ है माता भोगी डढ़ीन दाई विराजमान है। तो चलिए मैं आपको ये मंदिर को पहले प्रांगण को आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट में, इसके बाद मैं आपको इस मंदिर में घूम के मैं आपको इस जगह को पूरा तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले ड्रोन शॉट देखते हैं, इसके बाद मंदिर देखते हैं। दोस्तों जब आप इस रास्ते से आएंगे तो ये थोड़ी सी सीसी रोड है, और इसी रोड से आप इंटर करेंगे तो यहाँ ये खूबसूरत सा आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी सी चौरी है, जिसमें शिव जी की एक पत्थर में शिवलिंग रखी हुई है और कुछ नारियल पड़े हुए हैं। और जैसे आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ भी आपको एक पेड़ के नीचे त्रिशूल और चिमटे गड़े आपको दिखेंगे, और यहाँ अक्सर पूजा होते रहता, कोई ना कोई श्रद्धालु हमेशा पहुँचते रहता है और इस जगह पे आरती आराधना पूजा करते रहते हैं। और यहाँ भी आप वही देखेंगे त्रिशूल और पूरे चिमटे, और यहाँ जो चुन्नी उन्नी ये सब बंधी हुई है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और यहाँ सब बाबा लोग रहते हैं, और उन लोग की राम ये कुटी उटी बनी हुई है जहाँ वो रह के माता जी का सेवा करते हैं। और खूबसूरत सा स्थान है, जैसे आप यहाँ पास आएंगे तो आपको मनावती स्थल है पूरा ये, यहाँ अक्सर आपको नारियल पूरे बंधे हुए आपको पूरा प्रांगण में दिखेंगे, और यहाँ खाट में कील गड़ी हुई है जो देवी देवता लोग इसी खाट में झूलते हैं, और यह है पूरे खूबसूरती यहाँ की, और पूरा नारियल से पूरा भरा हुआ एरिया है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पर अक्सर रक्त बलि किया जाता है बकरे का और मुर्गियों का ऐसे शायद मेरे हिसाब से, और उनका भी देखो पूरा खून उन पड़ी हुई है। और ये पूरा प्रांगण में पूरा चिमटे नारियल से बंधा हुआ स्थल है, और ये खूबसूरत सा मंदिर है, और इसका बैकएंड ऐसा दिखता है। और दोस्तों आप देखेंगे ये बर के जो ये खूबसूरत बर के पेड़ के नीचे माता जी विराजमान है। तो चलिए पहले मैं आपको माता जी का पहले दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों जैसे अब यहाँ भाई आएंगे तो आपको यहाँ माता जी के जगहों पे पूरा नारियल से भरा हुआ एक स्थान है, और अंदर माता जी विराजमान है, और अंदर दीप ज्योति कलश जल रही है, और माता जी की आरती आराधना कर रहे हैं, और यहाँ के लोग माता जी से हरदम हर वक्त कोई ना कोई मनोकामना ज़रूर मांगते हैं, और माता जी सभी की मनोकामना को ज़रूर पूरा करती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पास कुछ सीन दिखाता हूँ, और माता जी के स्थान पे क्या क्या चीज़ रखे हुए हैं और उनकी खूबसूरती क्या है वो देखते हैं। दोस्तों अगर आप गोरिल्ला पिंडा मरवाही से हैं या फिर अगर गोरिल्ला पिंडा मरवाही में आ गए हैं और इस जगह पे अगर घूमना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, अगर आप मरवाही रोड पे आ रहे हैं तो आपको एक मटियाडांड गांव मिलने वाली है, वहाँ से आपको थोड़ी बस्ती अंदर आना पड़ेगा जो कि इस गांव का नाम है अमेरा टीकरा। और यहाँ अगर आप आते हैं तो माता जी का आपको दर्शन करने को मिल जाएगा, और माता जी से अगर आपको किसी प्रकार से मनावती मांगनी है तो माता जी से ज़रूर मांगिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये मंदिर प्रांगण तो घुमाई दिया, इसके पीछे आपको एक और वहाँ पास एक और मंदिर देखने को मिलेगा, वहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ। और
आपको वहाँ लेके चल के घुमाता हूँ। और दोस्तों ये है बाबा लोग का कुटी, जहाँ ये लोग रहते हैं पूरे बरसात और पूरे महीने पूरे साल यहीं बिता देते हैं ऐसे ही जगहों पे। इनको अगर यहाँ से गांव वाले को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बाबा जी लोग आस्था से पूरे जुड़े हुए हैं और अक्सर इस जगह पे रहते हैं, तो इनके लिए थोड़े रहने की व्यवस्था ज़रूर बनाएं। और जैसा भी होगा पंचायत की तरफ से हो या गवर्नमेंट तरफ से या फिर आप लोग अपने तरफ से ही कुछ इनके लिए बिल्कुल सहायता करें और यहाँ इन लोग ठहर सके अच्छे तरीके से। ऐसे टूटी फूटी जगहों पे रहते हैं तो इनको अक्सर प्रॉब्लम होते रहता है, पूरा समस्या से भरा हुआ, थोड़ी सी बनी हुई है लेकिन उस पर तरीके से छत नहीं है, ये सब दिक्कतें हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ आगे की ओर। बहुत पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, पीछे भी कोई मंदिर है। ओ बाबा का है, रक्षा बाबा, बाबा का रक्षा बाबा और नारसिंह बाबा, रक्षा बाबा का ऐसे बाबा, रक्षा बाबा है वो चैत्रा है और नीम में बाबा के खड़ा है। और यहाँ क्या होता है भजन कीर्तन? आप भजन नहीं, माता के झूले है, झूला के नाम से बने हैं। अच्छा, माता लोग का झूला है? झूला है माता का, अपना कौनों कह के आ लिया पर झूला पर है, उनका झूला है उनका। आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं रहते, मैं कुटिया में इतने टाइम में यही रहते हैं, बता नहीं रहते हैं, वही सब हनुमान सब धरा रहे रहते हैं सर। वही 9 दिन तक यहाँ जोत रहते हैं, नवरात्रि दशहरा नवरात्रि में पूरा कलशा ही फुल जोत जला देने उठे जलत रहे हैं, रामनवमी दशहरा में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये मंदिर से भोगी डाढ़ी से मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर लेके चलता हूँ। और उस जगह पे बाबा जी हमको बता रहे हैं कि उस जगह पर आपको रक्षा बाबा और नरसिंह बाबा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में लेके चलता हूँ उस जगह पे। और ये गेट कैसा लॉक है दादा? अच्छा ये खुलती है और आपको सीधा देखने को मिल जाएगा नरसिंह बाबा और रक्षा बाबा का स्थान। तो चलिए चलते हैं सीधे उसी जगह पे। दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ एक शिव जी की शिवलिंग है जिसको यहाँ के लोग नरसिंह बाबा के नाम से पुकारते हैं इस जगह को। और यहाँ आपको त्रिशूल पूरे और चिमटे बंधे हुए दिख जाएंगे। और ये जो सफ़ेद कपड़ा आप देख रहे हैं ये गोड़वाना पार्टी मतलब गोड़वाना समाज का ये एक ध्वज है जिसको अक्सर आप देखेंगे जितने भी गोड़वाना स्थान होता है वहाँ आपको ये सफ़ेद वाले कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ बड़ा सा खूबसूरत सा एक घंटी लगी हुई है और यहाँ अक्सर पूजा होते रहते हैं और इस जगह को बोलते हैं रक्षा बाबा। और यहाँ आप देखिए खूनों सब गिरी हुई है तो मतलब यहाँ भी अक्सर कुछ ना कुछ तरीके से बलि दिया जाता होगा। और ये स्थान है रक्षा बाबा का। दोस्तों आपको बोगी डाढ़ी दाई के स्थान में एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये बरगद का पेड़ है और इसी बरगद के पेड़ में आपको देखने को मिलेगा एक अलग ही तरीके का हनुमान, ये गणेश जी का ये सूंड आपको देखने को मिल जाएगा, पूरे नीचे तक उनकी सूंड बनी हुई है और इसे खूबसूरती अलग ही लेवल पे है। और यहाँ बाबा जी लोगों ने ही खोज किया है और बाबा जी ही इस जगह को ध्यान से खोज किए हैं। और इसका सूंड आपको अक्सर आपको इसी बरगद के पेड़ के नीचे देखने को मिल जाएगा। और बाबा जी एक चीज़ बताइए, नवरात्रि के समय में यहाँ कैसा माहौल रहता है, कैसा क्या है? नवरात्रि में यहाँ ऐसा है कि यहाँ जोत भी रहते थे एक भी रहता है, वहाँ की जोत कुआ जलवाते हैं और फिर गाना बजाना झूपना टांगना सब होता है फिर वहाँ समय। और इस समय कुछ मेला वाला का भी प्रावधान है? मेला वही रामनवमी में। कई दिन का लगता है मेला? वैसे अगर वो हो गए तो 9 दिन का पूरा रहता है मेला, नहीं तो 1-2 दिन तो लगते रहता है। लॉकडाउन में नहीं तो शुरू में लगा था इसमें मेला। अच्छा, और आप लोग यहाँ माता जी का पूजा आराधना कब से करते आ रहे हैं? यहाँ अभी मैं इतने 24 घंटा बैठ के 5 मसाले में का होते थे यहाँ से विजित 5 साल, नहीं तो घर में का गाँव में चौरा है चौरा वहाँ जब जवाब हुआ थे तो 3 साल में रहता रहा वहाँ। हाँ यह है कि आओ अपने पूरे गांव नाव पता पूरा उसको बताओ माता दाई को, माता सबकी इस मनोकामना को जरूर हाँ जरूर करेगा वह हाँ पूरा माँ छिपाओ उसको मत सब बता दे सारी दुख के माँ आपके द्वारे आया हूँ मैं आपको मैं इस जो कहने चाहता हूँ मेरा कामना सफल हो
सफल हो जाए जौन मोर पान फूल तुम ला के दो बस हो गया। दोस्तों ये बुगिन रहीन था, ऐसा इनकी मान्यता है कि यहाँ माता जी का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। बोलते हैं कि अपने जिले को छोड़ के, जिले के अपने राज्य को छोड़ के, छत्तीसगढ़ छोड़ के और भी राज्यों से आते हैं और माता जी से मनोकामना मांगते हैं और माता जी सभी की मनोकामना को जरूर पूरा करती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार इस जगह पर जरूर विजिट करिए। और अगर आप आ रहे हैं, अगर लोकल है, आप गौरीला पिंडा मरवाही के निवासी हैं, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप नवरात्रि के सीजन में आइए, जहाँ आपको इस जगह पे मेले का मेला भी लगता है और इस जगह पे आप कीर्तन भजन और माता जी का बहुत ही खूबसूरत सा दर्शन कर सकते हैं। और इस जगह पे ज्योति कलश भी जलाया जाता है। अगर आपको यहाँ ज्योति कलश भी जलवानी है तो बाबा जी से संपर्क करके इनसे ज्योति कलश जलवा सकते हैं, या फिर यहाँ के जो गाँव के सरपंच हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करिए अमीरा टिकरा के, जहाँ आप उनको कुछ राशि देकर यहाँ माता जी के सामने आप ज्योति कलश जलवा सकते हैं। और ये खूबसूरत सा मंदिर है, अगर आप आते हैं तो एक बार जरूर जगह पे विजिट करिए और माता जी का दर्शन जरूर करके जाइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।